जय माता दी। शारदीय नवरात्र शुरू होने में अब कुछ दिन ही शेष हैं। देवी माँ के आगमन की तैयारी जोरों पर चल रही है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। 17 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाएगी और फिर 9 दिनों तक देवी माँ की पूजा पाठ, आरती, व्रत रख कर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा। नवरात्रि पर देवी माँ को तरह तरह की पूजा सामग्री और भोग चढ़ाया जाता है। दुर्गा माँ के पूजा अर्चना में प्रयोग होने वाली प्रत्येक पूजा सामग्री का महत्व होता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र में माँ की पूजा में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और किसी धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापना का बहुत ही महत्व है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में कलश को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसलिए नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता की प्रतिमा के सामने कलश स्थापना करनी चाहिए। नवरात्रि पर जौ उगाए जाते हैं। घट स्थापना के दिन ही माता की चौकी के सामने ज्वार बोए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि पर जौ बोना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ को बोया जाता है। नवरात्रि में जौ इसलिए बोया जाता है क्योंकि सृष्टि के शुरुआत में जौ ही सबसे पहली फसल थी। साथ ही मान्यता यह भी है कि जौ उगने और न उगने को भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूर्वानुमान के तौर पर देखा जाता है। अगर जौ तेजी से बढ़ता है तो घर में सुख समृद्धि आती है। अगर ये नहीं बढ़ते हैं, मुरझाए रहते हैं, तो भविष्य में किसी तरह के अनिष्ट का संकेत देते हैं। नवरात्रि में माता के आगमन की खुशी में उनका स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर आम या अशोक के पत्ते से बंधनवार सजाए जाते हैं। वैदिक काल से ही किसी भी शुभ कार्य या पूजा अनुष्ठान के दौरान घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण द्वार लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियाँ घर से भाग जाती हैं। दीपक के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता है। घर पर शुद्ध देसी घी के दिए जलाने पर देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी दूर हो जाता है। अखंड दीप को पूजा स्थल के आग्नेय यानी दक्षिण में पूर्व में रखना शुभ होता है क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। देवी दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय होता है। मान्यता है जो भी भक्त लाल गुड़हल का फूल अर्पित करता है, माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि पर लाल गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। पवित्र और शुभ कार्यों का आरंभ करने में नारियल को जरूर रखा जाता है। मान्यता है कि नारियल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में नवरात्रि पर कलश स्थापना के साथ लाल कपड़े में नारियल जरूर रखें। नवरात्रि की अन्य पूजा सामग्री में देवी की प्रतिमा, देसी घी, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, सिंगार का सामान, धूप, अगरबत्ती, अक्षत, कुमकुम, फूल माला, पान सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे, कपूर, उपले, फल, मिठाई, कलावा और मेवे पूजा सामग्री में ये सारी सामान रखने चाहिए। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।